हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, फाइनली एनटीए ने अपना जो नोटिफिकेशन है CUET पे वो रिलीज़ कर दिया है, और इस नोटिफिकेशन से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती है। जैसे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, किस तरीके का पैटर्न रहेगा, कितने सेक्शन होंगे, किस सेक्शन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखेंगे। आपका जो सिलेबस है उसको भी मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आप आर्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हो, मीन्स BA के लिए कर रहे हो, BA प्रोग्राम के लिए कर रहे हो, BCOM के लिए कर रहे हो, BSc के लिए कर रहे हो, BA फॉरेन लैंग्वेज के लिए कर रहे हो, स्पेशली BA फॉरेन लैंग्वेज वाले जो स्टूडेंट है, प्लीज़ वो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि अभी तक जितना भी सोर्स सामने निकल के आ रहा था उसमें इनके बारे में कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन अभी आप लोगों का भी सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका है, तो बस आप लोग भी इस वीडियो को पूरा वॉच करो। तो गाइज, ऐसे स्टूडेंट जो कि हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो ताकि आगे भी आपको इसी तरह की जो अपडेट है वो देखने को मिल सके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये कल की डेट में रिलीज़ करा गया है। एनटीए एक्चुअली जो है लेट नाइट ही हर अपनी जो चीज़ें हैं वो रिलीज़ करता है, मतलब नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है, क्योंकि ये रात को काम करता है, दिन को काम नहीं करता है। तो इसलिए जो इसने रात को लेट नाइट जब स्टूडेंट सो जाते हैं तब जाके ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, ताकि कोई जो है बोले नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 26 का ये नोटिफिकेशन है, हम 27 से कह सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि आपका जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 2 अप्रैल को आप लोग जाके फिल कर सकते हो, मतलब 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, 2 अप्रैल से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अब देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है गाइज, इसके अंदर मेनली हम लोग देखते हैं जो आपके सेक्शन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो है आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो गाइस। 1 सेकेंड, 2 अप्रैल से लेके जो है 30 अप्रैल तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से भी आप लोग क्या कर लेना, चेक कर लेना। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके जो पेपर होंगे गाइज, उन पेपर के 4 सेक्शन इन लोगों ने बना दिए। हालांकि 3 सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे 4 किस तरीके से मेंशन करा गया है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन ए जो है, ठीक है, वो आपका है यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड, यानी कि उसमें आपको 13 लैंग्वेज, 13 भाषाएं है, उनमें से आपको एक भाषा यानी कि एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उस लैंग्वेज से आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो हम लोग आगे सिलेबस वाले पॉइंट में देखेंगे। फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि एक जो सेक्शन आपका होगा वो उसमें 13 लैंग्वेज होगी, और जो सेक्शन ए का जो बी है, ये बात कर रहा हूँ केवल सेक्शन ए की, ठीक है। सेक्शन एक में जो है ए है और उसके बाद बी है, तो जो बी है, सेक्शन बी है, ए का सेक्शन बी जो है उसमें आपको 19 लैंग्वेज दी हुई होगी, और इन्हीं दोनों में से आपको 3 लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करनी है गाइज। ओके, जिसमें से एक जो आपका होगा, अगर आप जो 27 जो आपके डोमेन है वो अगर आप मान लीजिए कि नहीं ले रहे हो और आपको इनमें से किसी लैंग्वेज में करना है, जैसे आपको फ्रेंच, जर्मन, इन सब में करना है, तो वो आपका एक तरीके से डोमेन हो जाएगा उन 3 लैंग्वेज में, समझ रहे हो। अब देखिए सेकंड जो सेक्शन है उसमें आपको 27 डोमेन दिए हुए, यानी कि डोमेन का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे आपको हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है, ठीक है, पॉलिटी करना है, ये सारे आपके डोमेन है, तो उसमें से भी आपको 2 डोमेन लेने हैं, मैक्सिमम आप 6 डोमेन ले सकते हो। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जितनी भी जो ये चीज़ें हैं, लाइक ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, यानी कि ये जितने सेक्शन दिए हुए हैं ये सभी स्टूडेंट के लिए करना कंपलसरी नहीं है। बिल्कुल गाइज, यही रियलिटी है, आपको ये सारे करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए कि JNU है, ठीक है, मान लीजिए JNU है, और JNU क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट आए उसको जो सेक्शन ए है वो भी क्लियर करना पड़े, यानी कि सेक्शन ए का भी जो उसको क्या करना है, एग्ज़ाम देना है, और सेक्शन जो 3 है जिसमें आपका जनरल टेस्ट है, ठीक है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। और JNU बोल दे कि जो सब्जेक्ट, ये जो डोमेन वाला है ये नहीं देना है स्टूडेंट को, ठीक है, अगर हमारी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन लेना है तो उसको केवल जो है ये लैंग्वेज वाले क्लियर करना है और जो जनरल टेस्ट है वो क्लियर करना, और उसके बेस पे वो क्या करेगी, अपने एडमिशन लेगी। तो ये चीज़ जो है तब अपने को क्लियर होगी जब अपनी अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो अपना एक प्रोस्पेक्टस रिलीज करेगी, तब जाके ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर होगी। तो अब आप समझ गए ना, ये आपके सेक्शन फाइनल है, ये फाइनल सिलेबस है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा।
इसमें आपका सेक्शन ए जिसमें 13 लैंग्वेज है, सेक्शन बी यानी कि ए का ही सेक्शन बी है जिसमें 19 लैंग्वेज है, और सेक्शन जो सेकंड है उसमें 27 डोमेन है, और सेक्शन थ्री जो है उसमें जनरल टेस्ट है। ओके, अब इसको हम लोग और समझते हैं, जो आपका जो ये जो पार्ट है, ओके, जो सिलेबस वाला पार्ट है, ओके, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बिल्कुल क्लियर ये लिखा हुआ है कि जो चॉइसिंग ऑप्शन अप फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, यानी कि ये जो सेक्शन दिए हुए है सभी को करना क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं भी करते हो तो क्या करेगी यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे क्या करेगी, अपने अकॉर्डिंग जो है आपको बताएगी कि भाई अगर आपको हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको इन सेक्शन को फॉलो करना है, ये सेक्शन आपको देना पड़ेगा, तब जो है आपका यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। ओके, ये क्लियर हुआ। अब देखिए सेक्शन ए जो है आपका, इसमें से आपको जो है एक जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है, और उसमें जो है आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपके होंगे, कितने 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे उसमें से 40 क्वेश्चन करने हैं। अब आपका जो सेक्शन ए है, ठीक है, यानी कि सेक्शन जो फर्स्ट आपका सेक्शन एक जो है आपका, उसमें दो सेक्शन बने हुए हैं, सेक्शन ए बना हुआ है और सेक्शन बी बना हुआ है, तो सेक्शन ए भी आपका लैंग्वेज का है और सेक्शन बी जो है वो भी आपका लैंग्वेज का है। जो सेक्शन ए है वो तो सभी को करना है, लेकिन सेक्शन बी जो है आपका एक तरीके से ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज के जो कोर्स है, जैसे फॉरेन लैंग्वेज के जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, हालांकि सभी कोर्स इसमें फॉरेन लैंग्वेज के नहीं है, कुछ ही कोर्स है और ऐसे बहुत से जैसे कोर्स है जो इसमें इंक्लूड नहीं है फॉरेन लैंग्वेज के, इसमें अपने इंडिया के भी जो स्थानीय जो भाषाएं हैं उनको भी ऐड करा गया है, तो इसको हम पूरी तरीके से फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपको इसमें जाना है तो आपको इसमें से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इनका जो सिलेबस है गाइस वो कॉमन रहेगा, ठीक है, इनका सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे कॉमन रहेगा, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है वो पूछेगा, जिसमें हम पैसेज टाइप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें आपको 45 मिनट मिलेगा गाइस, 45 मिनट का आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा इन सेक्शन को करने के लिए। ओके, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे वाले सेक्शन पे बढ़ते हैं, जो सेक्शन जो सेकंड सेक्शन है, ठीक है, जो दूसरा जो सेक्शन है जो कि डोमेन से रिलेटेड है, तो उसमें 27 जो डोमेन है वो दिए गए हैं, यहाँ पे आपको 27 जो डोमेन है वो दिए गए हैं, 27 डोमेन है, 27 सब्जेक्ट है, उसमें से आपको जो भी सब्जेक्ट के लिए करना है आप वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 6 सब्जेक्ट ले सकते हो, 6 डोमेन आप लोग क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि 6 डोमेन आप इसमें ले सकते हो। अब अगर आपने मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट लिया, जैसे आपने लिया यहाँ पे हिस्ट्री लिया एक तो आपने, ठीक है, और एक आपने जो है यहाँ पे जियो ले लिया, जियोग्राफी आपने यहाँ पर ले लिया, तो अब आपका जो हिस्ट्री का जो पेपर है उसके लिए आपको क्या यहाँ पे आपका सिलेबस रहेगा, तो जो 12th का जो हिस्ट्री है, जो एनसीईआरटी में जो चलती है, जो हिस्ट्री की जो बुक एनसीईआरटी में चलती है, उसका केवल आपसे सिलेबस पूछेंगे, तो आपको एनसीईआरटी वाला जो सिलेबस है वो पढ़ना है। अब एक सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन है, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं, 50 क्वेश्चन दिए है, उसमें से आपको केवल और केवल कितने करने हैं, 40 क्वेश्चन ही करने हैं। अब देखिए आपने ज्योग्राफी भी लिया, तो ज्योग्राफी के भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी बेस पे, और उसके लिए अलग से आपको 45 मिनट मिलेगा, यानी कि पर सब्जेक्ट के लिए आपको यहां पर क्या मिल रहा है, 45 मिनट मिल रहे हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन करने हैं और 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये क्लियर हुआ आपके, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हो, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो पेपर का जो टाइम है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा हो जाएगा अगर हर स्टूडेंट ज़्यादा जो है डोमेन लेने लग गया तो। अब आगे वाला जो सेक्शन है गाइज, जो सेक्शन जो आपका है जो कि जनरल टेस्ट का है, जनरल टेस्ट का जो आपका सेक्शन है, इसमें ये आपसे क्या पूछेंगे, इसमें आपसे ये 8th तक का जो मैथ है, 8वीं क्लास तक का जो मैथ है वो भी इसमें इन लोगों ने शामिल कर दिया है, बाकी रीजनिंग का पार्ट है वो पहले से था, ठीक है, और करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, ये सारी चीज़ें जो है आपका आ जाएगा। अब जनरल नॉलेज के अंदर आपका जो जीके का पार्ट आएगा वो मेनली रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सभी पूछ लेगा। तो अब देखिए ये जो जनरल टेस्ट है ना, इसके लिए भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। अब मान लीजिए कि जो डोमेन स्टूडेंट ले रहा है, मान लीजिए कि कोई हिस्ट्री ले रहा है, ठीक है, तो अब हिस्ट्री का तो उससे ऑलरेडी पूछ लेगा ऊपर वाले सेक्शन में, तो उसको जनरल टेस्ट क्यों देना है, ठीक है। और अब जो 27 जो डोमेन है, ठीक है, समझना इस बात को कि जो 27 जो डोमेन है वहाँ पे उस स्टूडेंट का डोमेन है ही नहीं उन 27 में, तो उस कंडीशन में उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, और उसी जनरल टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एडमिट करेगी। ओके, क्लियर हुआ।
तो अब इसमें भी जो है आपके जो है यहाँ पे 75 टोटल क्वेश्चन होंगे, उसमें से 60 क्वेश्चन करने, 75 क्वेश्चन होंगे उसमें से 60 क्वेश्चन करने हैं, और पर सब्जेक्ट आई मीन जो है इसमें जो टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 60 क्वेश्चन और 60 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दिया जा रहा है, ज़्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने पूरा सिलेबस यहाँ पे डिजाइन करा है। लेकिन एक चीज़ फिर से क्लियर कर देता हूँ कि सभी जो सेक्शन है वो सभी स्टूडेंट को करना मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यूनिवर्सिटी अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज करेगी, उसमें ये चीज़ मेंशन करेगी कि भाई आपको हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो एनटीए ने जो नोटिस रिलीज करा है उसमें से इस सेक्शन को फॉलो करिए, ये जो सेक्शन है ये आपसे पूछा जाएगा, उसी के बेस पे हम आपका एडमिशन लेंगे। इट्स क्लियर ना? ओके, अब देखिए आगे ये काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने लाइक लिखी है, जैसे कि आपका जो जो लैंग्वेज का जो सेक्शन था जो आपका, उसमें ये सारी दी गई है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ये सारी लैंग्वेज है, इनमें से किसी एक में आपको सिलेक्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश। जैसे अगर हमारे चैनल पे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं या फिर हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, वो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश को यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। राजस्थान के भी स्टूडेंट है, बट राजस्थान यहाँ पे अलग से दी हुई नहीं है, तो मोस्टली हिंदी और या इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट उर्दू भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो 19 जो लैंग्वेज अलग से जो दी हुई थी, जिसमें फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, नेपाली है, पर्शियन है, इटालियन है, अरेबिक है, सिंधी है, कश्मीरी है, ये सारी लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है। जैसे आपका और आगे बता देता हूँ, जापानीज भी है, रशियन भी है और चाइनीज भी है। अब और भी इनके अलावा अगर मैं स्पेशली फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स के लिए बात करूँ, तो यहाँ पे और भी ऐसी लैंग्वेज है जो कि भाई साहब यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको इंक्लूड करी हुई नहीं मिलेगी, तो उनके लिए तभी तो बता रहा हूँ कि जनरल टेस्ट तो आपको उसके लिए आप दे सकते हो। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है जो डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है आपके, जो डोमेन है 27 जो डोमेन है, वो सारे ये डोमेन है आप लोग देख सकते हो, ये सारे जो डोमेन है आपके ये दिए हुए हैं, इसमें से आपको जिसमें भी करना है उसी का आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हो, आपने 12th में हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको बी ए हिस्ट्री से करना है, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री का आपका पेपर होगा डोमेन वाले में, ठीक है, और उसके बेस पर फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओके, तो अब यही सारी चीज़ें गाइस इसके अंदर दी गई है, और बाकी इनका जो वेबसाइट है, वेबसाइट भी इन लोगों ने दे दिया है, ठीक है, एनटीए का वेबसाइट है, इस पर हम लोग विजिट करेंगे। इसके अलावा सीयूसीटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वेबसाइट है, वो एक अलग वेबसाइट इन लोगों ने क्रिएट करा है, आप जाके इसकी वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हो। 2 अप्रैल से जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, तो 2 अप्रैल तक अपने को वेट करना पड़ेगा। और भी चीज़ें देखिए आगे और दी गई है, ठीक है, इसका और थोड़ा फॉर्मेट समझाया गया है, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच करो, आपको बार बार नहीं देखना है, सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपको इसीलिए समझा रहा हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो आप लोग। अब देखिए पेपर जो आपका है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी मोड में आपका होगा, ऑनलाइन आपका पेपर होगा। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि घर बैठे आप दे सकते हो, अपने स्टेट में आपका सेंटर आएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो है सिलेक्ट करना है और अपना एग्ज़ाम देना है। पैटर्न जो है आपका पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, जो राइट आंसर है वो आपको सिलेक्ट करना है गाइस। ओके, अब देखिए जो लैंग्वेज है, जो मीडियम है, यानी कि जो पेपर आपका होगा वो केवल और केवल क्या इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। जैसे कि पहले क्या होता था, ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपका पेपर केवल इंग्लिश मीडियम में होता था, लेकिन अभी आप लोगों के लिए एक बड़ा यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि जैसे 13 लैंग्वेज यहाँ पे जो लैंग्वेज जो फर्स्ट सेक्शन में जो थी, सेक्शन ए में जो थी, वो सारी लैंग्वेज आप लोग देख सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश तो खैर है ही, इसके अलावा भी काफ़ी सारी मराठी, गुजराती, ये सारी लैंग्वेज है जिनमें आप लोग पेपर दे सकते हो गाइस। ओके, अब जो सेक्शन आपका जो सिलेबस का यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि सेक्शन ए और जो सेक्शन बी है, यानी कि सेक्शन एक जो है ना उसके ए और बी 2 पार्ट है, सेक्शन जो फर्स्ट है उसके पार्ट है 2 ए और बी, ठीक है, तो उनका जो सिलेबस है वो कॉमन सिलेबस है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पूछेगा आपसे, पैसेज वगैरह आएंगे, तो उन दोनों का जो सिलेबस है वो क्या है, कॉमन है। ओके, क्लियर नाउ? और जो सेक्शन सेकंड जो है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, अगर कोई हिस्ट्री ले रहा है, कोई ज्योग्राफी ले रहा है, कोई पॉलिटी ले रहा है, हिंदी इंग्लिश जो भी ले रहा है, वो सारा का सारा आपका रहेगा डोमेन वाले में। क्लियर? अब जो आपका जनरल जो टेस्ट है, जो जनरल जो टेस्ट है, जो सेक्शन जो 3 है, उसमें आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स, इन्होंने जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि जो मैथ का है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये पूछेगा आपसे, और जो कि होगा आपका जो है 12th लेवल का, ठीक है, ग्रेड 8 यानी कि 8वीं तक का आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर पूछने वाला है, और जो रीजनिंग का पार्ट है वो आपसे इसमें रहेगा। ओके,
अब ये सारी चीज़ें गाइस यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में दी गई है, तो हम ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा जो है चेंजेस करे गए हैं। अगर आप लैंग्वेज के कोर्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो भी अब आपको इस सिलेबस को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इसमें चेंज हुआ है, या फिर आप BHU के लिए कर रहे हो या और यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग कर रहे हो तो उसके सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंज यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए अब इनका क्या होगा कि अलग अलग प्रोस्पेक्टस आएगा और उसके अंदर ये लोग उन्हीं चीज़ों को शामिल करेंगे जो उनके सिलेबस में पहले थी। जैसे कि JNU की बात करें तो JNU जनरल टेस्ट रख सकता है, उसमें बस मैथ का पार्ट है, तो मैथ का तो सब लोग ऐड कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, सब लोग ऐड कर रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटी वाले ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इनका यहाँ पे ये शेड्यूल सारा का सारा रहने वाला है। अब जैसे ही फॉर्म आता है, जैसे ही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस रिलीज होता है, आपको वीडियो बना के हम लोग सबसे पहले इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो बस आपको करना यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आप फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर सबसे कम फीस के अंदर हम लोग आपको इस बार भी जो है यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। अभी तक हम लोग JNU, IFLU, जामिया इन सब के लिए तैयारी करवाते थे जो कि सबसे कम फीस हमारी होती थी, ठीक है। तो इस बार भी हमारी सबसे कम फीस होगी, जहां लोग आपसे 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं वहां पे हमारी फीस ना के बराबर आपकी होने वाली है। तो आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी डिटेल दिया गया है। ओके सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन सभी का शुभ हो।